वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। सत श्रीकाल, नमो बधाए। जीवन निवास साथियों, सलाम नमो साथी भाई सब मानवता नीचे मित्र, आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 4 जून है। 4 जून को मेघराज सिंह का बर्थडे होता है, यानी कि मेघराज सिंह मैं ही हूँ। मेरे शरीर का नाम मेघराज सिंह है और मेरे शरीर के नाम को तो लोगों ने रखा है, लेकिन मैं जो अंदर बैठा हूँ उसके वो कोई और है। वो रब का एक अंश है, रब का भेजा हुआ एक मतलब ये समझ लीजिए कि रब का भेजा हुआ एक जो अंश बोलते हैं वह है। मेघराज सिंह के बर्थडे जो है, मेघराज सिंह का बर्थडे आ रहा है, तो मेघराज सिंह जो है ना, पर आपको क्या बोलता है तो ये सबके लिए मतलब मैंने इसमें लिखा है कि हैप्पी बर्थडे बेटा मेघराज सिंह। यानी कि मैं ये जो अभी आप सोच रहे होंगे कि ये खुद मेघराज सिंह होकर के अपने आप को ऐसे कैसे बोल सकता है। मेरा शरीर का नाम है मेघराज सिंह, मेरे शरीर का मेरा नाम कुछ, मेरा कुछ भी नाम नहीं है। मैं जो अंदर बैठा हूँ उसके मैं कुछ भी नहीं हूँ, और मेरा नाम जो है वो रब के साथ जुड़ा हुआ है, रब का अंश हूँ और वही मैं जो बोल रहा हूँ। तो मेघराज सिंह जो है को इस शरीर का नाम है, इसका बर्थडे है और ये बर्थडे जो है 4 जून का है। तो हमने इसमें गुरु की कृपा से लिखा है कि 40 साल गुरु और रब की कृपा से पूरे हुए हैं, आज 47वां साल शुरू हो गया है। दिन महीने साल गुरु और रब की कृपा से व्यतीत हैं हुए हैं, इस बात का हमें एहसास हो गया है। जितने भी काम किए हैं अभी तक, वह गुरु और रब के भरोसे ही किए हैं। आने वाले वक्त में भी रब और गुरु के भरोसे काम करने का प्रण लिया है। सच्चाई और ईमानदारी, प्रेम, समानता, इंसानियत से ही ज़िंदगी में खुशहाली आती है, इस बात का सबक गुरु और रब ने हमें सिखा दिया है। सब्र, संतोष और सहनशीलता से ही लालच, दुविधा और गलत फहमियों को ख़त्म किया जा सकता है, ये भी सबक हमें गुरु ने सिखाया। मन, दिमाग और शरीर तब से सच्चाई और ईमानदारी के काम कर रहे हैं जब से गुरु के बताए हुए रास्ते पर सचमुच ही कदम बढ़ाया। दिन, महीने, साल उनके ही सफल होंगे जो सच्चे गुरु के बताए हुए रास्ते पर दिन रात पूरी दृढ़ता से चलेंगे। झूठे इंसान जन्म और मौत के चक्कर में फंसे रहेंगे, सच्चे इंसान मुक्त होंगे और जिंदे जी अपने अंदर बैठे रब से मिलेंगे। गुरु की कृपा से जब से सच को सचमुच ही अपनाया हमने, तब से दिमाग से, मन से, शरीर से मिट गया है अज्ञान का अंधेरा। जब से गुरु ने अपनी कृपा करी है, तब से जिंदगी में ज्ञान का प्रकाश हुआ है, फिर जीवन में चारों तरफ आया है खुशियों का सवेरा। तो ये नोट मैंने लिखा है कि मेघराज सिंह की कोई औकात नहीं है। जो भी इस संसार के अंदर काम कर रहा है, वह गुरु और रब की कृपा से ही कर रहा है, और आने वाले वक्त में भी गुरु और रब की कृपा से ही काम करता रहेगा। तो हमने जो लिखा है ये गुरु की कृपा से लिखा है, और हम फिर बताना चाहते हैं कि हम कुछ भी नहीं हैं। हमारा शरीर का नाम, मेरे शरीर का नाम मेघराज सिंह है, लेकिन मैं जो अंदर बैठा हूँ इसके घर के, जैसे कि हम घर के अंदर बैठते हैं तो घर में रहने वाला जो है इंसान उसको नाम देता है, घर का इंसान नाम देता, मकान का इंसान नाम देता, उसका किसी का भी नाम देता, लेकिन वो जो घर बना होता है वो ईंटों का, मिट्टी का उसका बना होता है, लेकिन उसको उसके नाम से नहीं पहचानते, उसको सिर्फ घर के, महल के या किसी के नाम से पहचानते हैं। इसी तरह हर एक इंसान का जो नाम होता है वो शरीर का नाम होता है, और शरीर जो खून का, मांस का, हड्डियों का बना होता है, इसको इसमें इस तरह बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं कि अपने जन्मदिन पर हम मेघराज सिंह के साथ मेरी बात का बुरा मत मानना भाई, ऐसा सोच रहे होंगे भाई आप लोग मजाक में इसको टाल रहे, नहीं ऐसा नहीं है। रब की कृपा से जो मेघराज सिंह को शरीर मिला है, मेघराज सिंह का जो शरीर है ये
सबके शरीर मर जाते हैं और दोबारा जो जो अंदर का जो जो सोल है, जो अंदर बैठा है, वो कभी नहीं मरता, वो हमेशा ज़िंदा रहता है। और आशा एक नाम की लड़की जो है हमारी, हमें गुरु बोलती है अपना, और ये नेपाल से है, और ये उसने भी वीडियो भेजा है, इसमें जो देखा आपने इसमें उसने वीडियो भेजा है जो स्क्रीन पर चल रहा है, तो वो हम उसको भी धन्यवाद करना चाहते हैं। तो उन्होंने भी एक बहुत सारे काम की बातें करती हैं और अच्छी अच्छी बातें करती हैं, ज्ञान की बातें करती हैं, वो तो हमें क्रेडिट देती हैं कि वो भी आपसे कुछ सीखने को मिल रहा है ऐसा बोलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हकीकत में कुछ और है। हकीकत में वो जो हम बातें बोलते हैं वही ज्ञान की होती हैं, उन्हीं बातों से वो सीखते हैं, लेकिन बातें हमारी नहीं है, वो रब की तरफ से मिली है, गुरु की तरफ से मिली है, तो हम तो एक सिर्फ हमसे बुलवाया जा रहा है रब से। तो फिर दोबारा फिर ये कहना चाहते हैं कि शरीर तो आने जाने वाली चीज़ है, लेकिन जो काम करते हैं वो यहाँ रह जाता है, इसीलिए हम कहना चाहते हैं हैप्पी बर्थडे सब अपनी तरफ से। तो सबको कहना चाहते हैं कि मेघराज सिंह कोई शरीर नहीं है, शरीर तो एक इसका नाम, शरीर का नाम है, जो अंदर बैठा सोल है वो कोई और है। तो उसके तरफ से ये कविता आई थी और उसमें एक कविता लिख कर हमें दे दी है, इसलिए हम सबको सत श्रीकाल करते हैं और वाहेगुरु का अरदास करते हैं कि सबका जन्म, सबका दुनिया के अंदर सफल हो, ताकि दुनिया में प्यार मोहब्बत दे सके। थैंक यू सबका, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जय वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह।